हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जिस नोटिफिकेशन का बहुत समय से इंतजार होता वो नोटिफिकेशन आ गया है। और वो नोटिफिकेशन क्या है? आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन आउट। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन का हम लोगों को बहुत समय से इंतजार था। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में सारी जानकारियां देता हूं। इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, कुल कितने पद हैं, तो 11,558 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें 8,113 ग्रेजुएट पोस्ट हैं और 3,444 यूजी पोस्ट हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं। अब ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उनके लिए एज लिमिट क्या है। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी डिग्री और इसके समकक्ष होना चाहिए और एज लिमिट जो है वो उसमें 18 से 36 साल रखी गई है। अब ग्रेजुएट पोस्ट कौन कौन सी हैं और उसमें कितनी कितनी वैकेंसी हैं, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,144 पोस्ट हैं, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की 1,736 पोस्ट हैं, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 10507 पोस्ट है और स्टेशन मास्टर की 994 पोस्ट है। ये सारी पोस्ट मिला के ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है वो हो जाती है 8,113। जैसा कि मैंने बताया था कि 8,113 पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है और अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445 है। अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, और इसमें एज लिमिट क्या है, तो इसमें एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। यूजी पोस्ट कौन कौन सी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसके कितने पद हैं, इसके 990 पोस्ट हैं। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के कितनी पोस्ट है, 361 पोस्ट हैं। ट्रेन क्लर्क के कितनी पोस्ट है, 72 पोस्ट हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट हैं और ये सारी मिला के पोस्ट, यूजी पोस्ट जो है वो टोटल पोस्ट मिला के हो जाती है 3,445। अब बात ये आती है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन हम कब से कर सकते हैं, जो सबसे प्रमुख बात है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 14 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप 14 सितंबर से अपना आवेदन कर सकेंगे। और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी, तो अंतिम तिथि जो है वो 13 अक्टूबर 2024 रहेगी। अब अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक रहेगी, तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है आप 21 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे, अर्थात जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 सितंबर 2024 है और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2024 है। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यदि इस परीक्षा को आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो प्रतियोगिता साहित्य की गाइड और प्रैक्टिस सेट का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।